अब फर्जी सिम लेने वालों की खैर नहीं, सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक की पहचान होगी जरूरी। सरकार ने कसा फर्जी सिम लेने वालों पर शिकंजा, हुआ टेली कम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास। आइए जानते हैं पूरी खबर, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा में बुधवार नया टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने वालों पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ता को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान कराने को कहा गया है। ऐसा न होने की स्थिति में सरकार किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1930 की भी ये बिल जगह लेगा। ये ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। इस बिल के आने के बाद लाइसेंस सिस्टम में भी बदलाव आएगा। अभी के समय में सर्विसेज प्रोडक्ट को विभिन्न प्रकार के सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे में 100 से अधिक पंजीकरण कराना होता है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट जारी करता है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड एंड सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया कि टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सके। आप देख रहे थे डीपीपी वॉइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।